अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार इजी बीफ पैक की रेसिपी शेयर करूँगी और ये बहुत ही आसान है। आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आप इसे खुद मानेंगे। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ होंगी ये जानने के लिए वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बीफ पाए और करीबन ये 2.5 किलो के करीब हैं। और इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा बोंग शामिल किया था। अगर आप चाहें तो इसके अंदर बोंग भी मिला सकते हैं ज़्यादा, और आप कम पाए रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 2 बीफ पाए लिए हैं। सबसे पहले हम पाए को उबाल लेंगे। तो इसके लिए एक बड़ी सी पतीली ली है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसे बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में काफ़ी टाइम कम लगता है और एज़ कम्पेयर टू कि आप पतीले में बनाते हैं तो पतीले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आज मैं इसे पतीले में ही बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 किलो प्याज ली है और इसे जिस तरीके से भी आप कट करना चाहें कट कर सकते हैं। तो मैंने इसे रफली कट कर लिया है और इसके अंदर से आधी प्याज मैं उबालते हुए शामिल कर दूंगी और आधी प्याज को मैं बचा लूंगी ताकि हम इसकी ग्रेवी बना सकें। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके अलावा 8 से 10 हरी मिर्ची ली थी जिन्हें फाइनली पेस्ट बना लिया है, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अगर आप हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल ना करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और इसके बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी पानी। और पानी आपने करीबन इतना लेना है कि आपके ये जो पाए हैं वो बिल्कुल डूब जाएं। 5 लीटर पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया है ताकि हमारे पाए जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉयल हो सके। तो यहाँ पर एक बार तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 to 6 hours भी लग सकते हैं या फिर आप इसे उस टाइम तक बॉईल करें जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाते। पाए की ग्रेवी बनाने के लिए कुछ साबुत मसाले और कुछ स्पाइसेस मैंने लिए हैं, तो इनको भी वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर 1/2 किलो प्याज ली थी जिसमें से हाफ मैंने बॉईल होते हुए डाल दी और आधी मैंने बचा ली थी जो ग्रेवी में यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून लाल मिर्चें, 1 teaspoon नमक, काली मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसके अलावा नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मसाले के अंदर मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया, 1/2 teaspoon अजवाइन, 1/2 teaspoon कलौंजी, 5-6 मैंने लिए हरी इलायची, 8 से 10 लौंगे लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं जिन्हें मैंने तोड़ लिया है, और इसके अलावा 3 से 4 मैंने ली थी बड़ी इलायची और इनके दानों को अलग कर लिया है। ये 4 बड़ी इलायची के दाने हैं और इन तमाम मसालों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से पीस लिया है और अब इन मसालों को हम ऐड कर देंगे बाकी की स्पाइसिस के साथ। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपको अगर 2 पाए बनाने हैं और जितनी क्वांटिटी में मैंने पाए बनाए हैं, अगर इतनी ही क्वांटिटी में अगर पाए बनाने हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर आपने इससे कम बनाने हैं तो आप इसमें से थोड़ा सा मसाला रोक सकते हैं और अपने पाए के अकॉर्डिंग ही आप इसके अंदर मसाला ऐड कर लीजिए। 250 ग्राम दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। दही को अच्छे तरीके से फेंटने के बाद ही इसके अंदर मैं मसाले शामिल करूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दही को बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट लिया है, बिल्कुल स्मूथ सा ये हो गया है। अब इस दही के अंदर थोड़ा थोड़ा करके मसाला शामिल कर देंगे और इसके अंदर से मैं थोड़ा सा बचा लूँगी ताकि हम इसे भुनाई करते हुए ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने तमाम मसाला इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है और फिर इसको अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल मसाला दही के साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया है और मसाले वाला दही तैयार हो गया है और अब हम इसे ग्रेवी में यूज़ करेंगे और बाकी का ये मसाला भी हम बुनाई के दरमियान ही यूज़ करेंगे। तो बस अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया है और इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूँगी और इसे हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, बट इतना इनफ होता है क्योंकि पाए के अंदर भी ऑलरेडी ऑयल होता है। 3 से 4 मिनट हुए हैं और प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, तो आपने इसको इतना ही ब्राउन करना है और फिर इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और साथ में ही ऐड कर देना है मसाले वाला दही जो हमने पहले ही तैयार करके रखा था। दही शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छे तरीके से भूनना है। तो आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है ताकि प्याज खड़ी ना रहे, और साबुत प्याज अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए आपने इसकी भुनाई ज़्यादा अच्छी करनी है। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए उस टाइम पर हमने जो मसाला बचा के रखा था वो इसके अंदर शामिल करना है और इसे 2 से 3 मिनट और भुनना है। ग्रेवी रेडी है, अब हम चलते हैं पाए की तरफ। आफ्टर 3 आवर्स पाए बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं।
पाए का गलने का टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, तो जब आपको लगे कि ये गल चुके हैं तभी आप इसका अगला प्रोसेस कीजिएगा, अदरवाइज आपने पहले इसे अच्छे तरीके से गलाना है। कम से कम गलने का टाइम 5 to 6 hours होता है, लेकिन ये 3 hours के अंदर ही और वो भी विदाउट प्रेशर कुकर के गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पाए में से ऑयल अलग रिलीज हो चुका है। पाए को उबालने के बाद दूसरे बर्तन में निकालेंगे और इसके नीचे जितना भी हड्डियों का जो छोटे छोटे पीसेस और चूरे होते हैं वो आपने अलग करने हैं, और फिर उसके बाद ही आपने इसको दोबारा से अगेन अपने वही वाले पतीले में ऐड करना है, और फिर इसके अंदर तैयार की हुई ग्रेवी भी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाए को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है ग्रेवी के साथ, और अब हम इसे ढककर पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट। तो यहाँ पर जायफल और जावित्री के मैंने थोड़े छोटे छोटे पीसेस लिए हैं जिसे मैं पीस लूँगी। 10 मिनट बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जायफल जावित्री का पाउडर और इसे अच्छे तरीके से मज़ीद पकाएंगे 5 मिनट। तो आपने पहले अच्छे तरीके से जायफल और जावित्री के पाउडर को मिक्स करना है और फिर इसे 5 मिनट ढककर पकाना है। 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाना है ताकि तमाम ऑयल इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोगन भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुका है। अगर आपको शोरबा थोड़ा थिक पसंद है तो आप इसे मज़ीद पका सकते हैं, लेकिन मैं बस इतना ही इसे रखूँगी क्योंकि थोड़े शोरबे वाले पाए अच्छे ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे डिश आउट भी कर लेंगे और दिखने में ही कितने मज़े का लग रहा है, तो जब आप इसे ट्राई करेंगे तो ख़ुद मानेंगे। तो यहाँ पर डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर कटी हुई अदरक और हरा धनिया हरी मिर्चों से इसे गार्निश कर देंगे। आप इसे तंदूर की रोटी या फिर नान के साथ सर्व कीजिए, सच में बहुत ही मज़ेदार पाए बनके तैयार होते हैं। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो खुद मानेंगे, और जब भी आप इसे ट्राई करें तो ज़रूर मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कीमती टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।